Today we will study chapter from the junior world class 5th chapter number 3 tropical rainforest. In this chapter is also related from the chapter number 1st and chapter 2 from your book. In chapter 1st what we had read, we read the Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle and South Pole. And in second chapter, what we studied freeze zone, temperate zone, torrid zone, temperate zone, freeze zone. So this chapter is belong from the torrid zone. In torrid zone, यहाँ torrid zone जो दिख रहा है ना आपको green color में पूरा shade. तो यहाँ क्या है, temperature सबसे ज़्यादा largest होता है, तो temperature ज़्यादा होने से यहाँ water vapor formation भी बहुत ज़्यादा होती है और उससे rainfall भी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो मैक्सिमम यहाँ फुल ईयर पूरे ही साल लगभग गर्मी के कारण बार बार वाटर वेपर बनता है, क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल होती है. तो यहाँ बरसात भी काफ़ी ज़्यादा होती है. तो बरसात काफ़ी ज़्यादा होने से यहाँ क्या कहते हैं, जो यहाँ के जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, मतलब वहाँ के ट्रीज बहुत बड़े बड़े हैं. अगर अपन फर्श पर देखें तो ज़मीन पर वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती क्योंकि ऊपर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और काफ़ी सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नैक्स ये सब भी इस जगह रहते हैं. तो इसी जगह के बारे में पढ़ते हैं. What is tropical rainforest? Places that lie in a tropical zone. जो places tropical zone है मतलब torrid zone में lie करती है, are warm and humid. वो गर्म भी होती है और humid वहाँ वहाँ water की humid means water की amount भी ज़्यादा होती है throughout the year, पूरे ही साल. तो आपको एक तो definition अच्छे से learn करना है. Places that lie in a tropical zone are warm and humid throughout the year. Places close to the equator, जो सारी places equator के close है, get heavy rain all year, पूरे ही साल में अच्छी बरसात होती है. With thunder shower, मतलब बिजली कड़कड़ा के फुल बरसात होती है. Almost every afternoon, मतलब यूँ समझ लो रोज ही बरसात होती है. अगर आप वहाँ जाओगे तो रोज़ आपको बरसात देखने को मिलेगी. इंडिया में तो क्या होता है, 4 months जब रेनी सीजन तब मिलता है, पर यहाँ क्या है, ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून, मतलब क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है नून टाइम में और आफ्टरनून क्या हो जाता है, बरसात होने लग जाती है. एरियाज क्लोज टू द इक्वेटर हैव डेंस फॉरेस्ट, और जो इक्वेटर के पास जो एरियाज है वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट मतलब काफ़ी घने जंगल है, कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्लियर स्टूडेंट्स, द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स इन एनी सीजन. अब इस ट्रीज इस रेन फॉरेस्ट की एक दूसरी खासियत क्या है कि यहाँ ट्रीज डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स इन एनी सीजन, पूरे ही 12 महीने यहाँ ट्रीज अपनी लीव्स शेड नहीं करते. पर जहाँ आप बात करोगे टेम्परेट जोन के जंगलों की, जैसे राजस्थान में है, तो वहाँ क्या होता है, गर्मी के टाइम पे जाओगे तो आपको कहीं भी पेड़ पत्ती ही नजर नहीं आएगी, सारे पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं रहेगी, और बरसात में जाओगे तो खूब हरा हरा नजर आएगा. बट इन फॉरेस्ट की क्या खासियत है कि यहाँ कभी भी पूरा पेड़ पर पूरी लीव्स नहीं गिरती, लीव्स गिरती रहती है और नहीं आती रहती है. सो दे रिमेन ग्रीन ऑल ईयर एंड आर कॉल्ड एवर ग्रीन ट्रीज, इसलिए इन्हें क्या कहता है, एवर ग्रीन ट्रीज. द रेन फॉरेस्ट अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर एमेजोन, और ये जंगल किसके पास है, बैंक ऑफ रिवर एमेजोन इन साउथ अमेरिका. बैंक्स मतलब होता है किनारा, रिवर एमेजोन रिवर के किनारे के पास साउथ अमेरिका के जो जगह है, इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन, सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जंगल कहाँ पर है, on the banks of the river Amazon in South America. Tropical rainforests are also found in southern part of North America. और कुछ tropical forest, rainforest southern part of North America के southern part में मिलेगा, जो North America लंबा सा है उसके नीचे के part में, Central Africa, South Eastern Asia and parts of the Australia. In India, such forests are found in Western Ghats. और इंडिया के अंदर भी रेन फॉरेस्ट है, कौन सा पार्ट है, जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है वो वाला इलाका, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सब जगह आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा. तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप इंडिया से बाहर जाओ, आप इंडिया में भी अच्छे से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घूम सकते हो काफ़ी लो बजट में. अब पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पार्ट्स हैं. इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द प्लांट्स फॉर्म डिफरेंट लेयर, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग लेयर, सबसे बड़े बड़े पेड़ अलग लेयर. फिर वो मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल एंड ब्रॉड लीव, ज़्यादातर ट्रीज क्या है, बहुत बड़े होंगे और उनकी पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी होगी. एंड ग्रोज वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ग्रो भी एक के पास एक उगते हैं. दे फॉर्म अ अम्ब्रेला ऑफ लीव्स, ये कुल मिला के एक अम्ब्रेला बना लेते हैं पूरी पत्तियों का. एंड ब्रांचेज ओवर द एंटायर फॉरेस्ट, पूरे ही फॉरेस्ट पे इनका एक
अम्ब्रेला की तरह वर्क करते हैं. दीज इज कॉल्ड कैनोपी. इन्हें क्या कहा जाता है? कैनोपी. द कैनोपी इज सो डेंस. आपको नेक्स्ट पेज पे फोटो ही मिल जाएगा. द कैनोपी इज सो डेंस दैट इट डज नॉट अलाउ मच सनलाइट टू रीच द फॉरेस्ट फ्लावर. और इससे क्या होता है, इतनी इनसे सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पे, जमीन पर. द शॉर्टर प्लांट्स ग्रोइंग अंडर द कैनोपी. और छोटे पेड़ इस कैनोपी के नीचे उगते हैं. मेक अप द अंडर स्टोरी. और वो एक अंडर स्टोरी बनाते हैं. दीज प्लांट्स आर शेड लविंग. एंड ये प्लांट्स शेड लविंग मतलब ये पेड़ हमेशा छाया में उगते हैं. एंड डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ सनलाइट. और इन्हें ज़्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए. जैसा कि इधर देखो फिगर में दिख रहा है आपको, ऊपर एमर्जेंट लेयर, फिर कैनोपी दिख रहे हैं पूरे ट्रीज की, फिर अंडर स्टोरी प्लांट्स दिख रहे हैं, और नीचे है फॉरेस्ट फ्लोर और बटरस रूट है, उनकी बड़ी बड़ी रूट्स हैं. द फ्यू ट्रीज आर वेरी टॉल एंड राइज अबव द कैनोपी. और कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो कैनोपी से भी ऊपर निकल जाते हैं. देर आर मैनी वाइन्स. वाइन्स मतलब होता है जो लताएँ होती है, मतलब बेल होती है. दैट क्लीम अप द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज. और ये जो ट्रंक है पेड़ का, जो तना है, उस पर लिपट कर कैनोपी तक पहुँच जाती. रीच द कैनोपी एंड गेट द सनलाइट. और जाकर तब जाके इन्हें सनलाइट मिल पाती है जो इन्हें नीड होती है. फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द डार्क फॉरेस्ट फ्लोर. और कुछ पौधे फॉरेस्ट फ्लोर के नीचे, डार्क मतलब जो अंधेरा है नीचे, वहाँ उग जाती है. तो आपको इमरजेंट लेयर, कैनोपी, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर अच्छे समझ में आ गया. अगर नहीं आया तो वापस से इस पैराग्राफ को आप रीड अप करें. द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी क्लोजली पैक्ड. जो ट्रीज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो काफ़ी क्लोजली पैक है, मतलब चिपक चिपक के हैं. द रेन फॉलिंग ऑन द कैनोपी कैन टेक अप टू 10 मिनट टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर. और यूँ समझ जाओ जब बरसात पड़ रही है तो भी 10 मिनट लगेंगे उस बरसात के पानी को नीचे आने में. प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब बात करते हैं वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं और एनिमल्स कैसे हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट. और इसमें काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज ऑफ प्लांट होते हैं. देर आर वेरी टॉल वुडी ट्रीज. और जो पेड़ होते हैं उनका वुड काफ़ी स्ट्रांग होता है. दीज आर सपोर्टेड बाई स्पेसिकल थिक रूट्स कॉल्ड बटरस रूट्स. और इनके पेड़ को, इतना बड़ा पेड़ को खड़ा होने के लिए जो उसकी रूट्स होती है वो भी कैसी होती है? बटरस रूट्स होती है. ट्रीज ऑफन हैव वाइन्स क्लिमिंग अप देयर. और इन ट्रीज में हमेशा वाइन्स होती है, मतलब लताएँ होती है. दे हैव प्लांट्स सच एज ऑर्चिड. और इस जंगल में कौन से प्लांट मिलेंगे आपको? ऑर्चिड्स ग्रोइंग ऑन देयर ट्रंक एंड ब्रांचेस. ऑर्चिड प्लांट होता है, वहाँ ट्री होता है सॉरी. अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल स्ट्रेंगलर कम्प्लीटली कवर्स एंड किल द ट्रीज ऑन विच इट ग्रोज. अब एक प्लांट होता है स्ट्रेंगलर, वो क्या करता है, कम्प्लीटली कवर कर लेता है ट्री को और उसे किल कर देता है उस बड़े पेड़ को. रबर ट्रीज. और कौन कौन से पेड़ होते हैं यहाँ? रबर ट्री मतलब रबड़ के पेड़ होंगे. रबड़ का पेड़ रबड़ जैसा नहीं होता, मतलब उसमें कट्स लगा के उससे एक लिक्विड कलेक्ट किया जाता है और उस लिक्विड को प्रोसेस करके रबड़ बनाया जाता है, तो इसलिए उसे रबर ट्री बोलते हैं. पाम्स ट्री एंड फर्म्स आर ऑल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और ये भी अब यार देखो, चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ कोको ट्री. ये कोको ट्री के जो दिख रहे हैं आपको पोर्ट्स, इनकी फलियों से ही हमें चॉकलेट मिलती है. सम रेन फॉरेस्ट ट्रीज सच एज मैगोनी एंड रोज वुड. ये दो ट्रीज है, मैगोनी एंड द रोज वुड गिवज अ वैल्यूबल वुड. इसकी वुड काफ़ी मजबूत होती है. उसके साथ साथ बनाना, पाइन एप्पल्स एंड कोकोआ फ्रॉम विच चॉकलेट इज मैड आर फूड स्टफ. ये भी वहाँ ग्रो होते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है. दैट कम फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट प्लांट. ये भी हमें रेन फॉरेस्ट प्लांट में कंसिडर होते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ लार्जर वेराइटी ऑफ एनिमल्स. वहाँ एनिमल्स भी बहुत मिलते हैं, फाउंड एवरी वेयर ऑन द अर्थ. जो अर्थ पर हर जगह मिलते हैं वो सारे जानवर लगभग वहाँ होते हैं, मतलब पूरी अर्थ में जितने जानवर उसमें सबसे लार्जेस्ट वैरायटी कहाँ मिलेगी आपको? इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलेगी. सम रेन फॉरेस्ट एनिमल्स स्पेंड देयर होल लाइफ इन ट्री. कुछ एनिमल्स होते हैं जो पूरी लाइफ पेड़ों पर बिता देते हैं एंड नेवर स्टेप ऑन द ग्राउंड. वो कभी ग्राउंड पर पाँव भी नहीं रखते. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी टाइप ऑफ मंकीज. एप्स. एप्स का मतलब भी होता है वन मानुष. इधर आपको पिक्चर दिख रही होगी एप्स की. बर्ड्स, स्नैक्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट. गुरिलास सॉरी एप्स ऐसे होते हैं, मतलब गुरिलास एंड चिंपानीज आर एप्स. गुरिला चिंपांजी को हम एप्स बोलते हैं. फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के जंगलों में मिलते हैं. ऑरंगउटन्स आर द एप्स फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न एरिया. ऑरंगउटन जैसा शेर जैसा मुंह रहता है इस बंदर का. ऑरंगउटन ये आपके जीके में भी आया होगा कभी. आर द एप्स फाउंड इन साउथ ईस्टर्न एशिया मिलते हैं. एनाकोंडा स्नैक भी आपको यहीं मिलेगा. एंड कलरफुल बर्ड सच एज टुकून.
टुकून देखो नोजी बर्ड, इधर कितनी लंबी चोंच है इसकी, ठीक है। ऐसे बर्ड्स भी आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे ट्रॉपिकल। एंड मकाओ लिव इन द अमेजोन फॉरेस्ट। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू क्रोकोडाइल। और जो नदियाँ इनमें फ्लो करती हैं उन्हीं में क्रोकोडाइल मिलेंगे। एंड मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, और फिशेस भी मिलेंगे, घड़ियाल भी मिलेंगे। अब वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की पीपल कैसे हैं, लाइफ ऑफ द पीपल। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ वेरी अनकम्फर्टेबल क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अनकम्फर्टेबल है क्योंकि रेन होती रहती है। दे आर होम्स टू मेनी डिजीज, और वहाँ मच्छर और बीमारियाँ भी खूब ज़्यादा है। द डेंस फॉरेस्ट मेक इट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड। रोड बनाना भी काफ़ी मुश्किल है वहाँ जंगलों में। एंड क्लियर लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी जगह नहीं है। द सॉइल टू इज़ नॉट फर्टाइल, सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। सो वेरी फ्यू पीपल लिव इन दिस फॉरेस्ट, इन जंगलों में काफ़ी कम ही लोग रहते हैं। द योनोमनी पीपल ऑफ अमेजोन, तो एक नस्ल दी है इंसानों की, योनोमनी पीपल ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट, द पीपल लिविंग अलोंग द रिवर कॉन्गो इन अफ्रीका। और ये कहाँ रहते हैं, रिवर कॉन्गो इन अफ्रीका, कॉन्गो रिवर के पास। बाद में आपके चैप्टर भी आएगा कॉन्गो। एंड ट्राइब्स सच एज ओंग, और कौन सी ट्राइब रहती है वहाँ, ओंग एंड सोम्पेन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर सम पीपल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो जातियाँ हैं, द पीपल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव लिव्ड देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, वो हजारों सालों से उन जंगलों में रह रहे हैं। एंड मैनी ऑफ देम हैव नो कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड, और आज भी आदिवासी हैं जंगलों में रहते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। रेन फॉरेस्ट पीपल यूजली लिव इन हट, वो ज़्यादातर झोपड़ी में रहते हैं, बिल्ड विद ब्रांचेज, जो ब्रांचेज से बनी होती है, लीव्स एंड मड से। मैनी आर हंगर हंटर गैदर, मतलब इकट्ठा होकर शिकार करते हैं और जंगलों में रहते हैं आदिवासी लोग। लाइक द अर्ली ह्यूमंस, जो आज भी अर्ली ह्यूमंस जैसे रहते हैं आदिवासी। सम ऑफ देम ग्रो अ फ्यू क्रॉप सच एज क्रॉन, और कुछ कुछ थोड़ी बहुत क्रॉप भी उगाते हैं, जैसे क्रॉन, मक्का, बीन्स, फलियाँ, बनानास एंड रूट वेजिटेबल्स। सम रूट वेजिटेबल्स जो रूट से उगती है, मतलब कैरेट, रेडिश। सम रेन फॉरेस्ट फार्मर्स बर्न डाउन अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ रेन फॉरेस्ट में से कुछ पार्ट को बर्न कर लेते हैं एज यूज द क्लियर लैंड को ग्रो करते हैं क्रॉप्स के लिए। स्लैश एंड बर्न क्रॉपिंग करते हैं ये, मतलब जंगल को थोड़ा सा जला लेंगे एक हिस्से को, फिर वहाँ क्रॉपिंग करेंगे उसकी, ऐसी उसके लिए मैन्योर की तरह वर्क करेगी। फिर थोड़े समय जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और फिर बाद में सालों बाद वहाँ लौटते हैं तो वापस जंगल मिल जाता है। पर हायर प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न इज हार्म टू द फॉरेस्ट। आफ्टर ए फ्यू क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स के बाद द सॉइल बिकम इनफर्टाइल एंड दे मूव टू द न्यू पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो नए फॉरेस्ट पे चले जाते हैं एंड बर्न इट डाउन, फिर वापस जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इसे क्या कहा जाता है, और शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसे कहते हैं, कल्टिवेशन मीन्स मेकिंग द लैंड रेडी फॉर फार्मिंग एंड यूजिंग इट टू ग्रो क्रॉप्स उगाना। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फास्ट बींग कट डाउन, ये इतने तेज है कि इनको बहुत जल्दी जल्दी काटा जा रहा है। टू मेक स्पेस फॉर बिल्डिंग सिटीज, सिटीज़ बनाने के लिए आजकल इनको काटा जा रहा है जो काफ़ी हार्मफुल है। फार्मिंग एंड माइनिंग के लिए मैनी ट्रीज आर ऑल्सो कट डाउन फॉर वुड, वुड के लिए भी बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। एज द फॉरेस्ट वैनिश, जैसे फॉरेस्ट वैनिश, वैनिश का मतलब होता है खत्म होना या गायब होना, आप लिख लीजिए वैनिश का मीनिंग। एज द फॉरेस्ट वैनिश वी आर लूजिंग मैनी प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड देयर, तो खूब सारे प्लांट्स और एनिमल्स हम खो देंगे। इन मैनी रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स द एडल्ट्स आर वेरी शॉर्ट, कुछ जो आदिवासी जनजातियाँ ये उनमें आदमी काफ़ी छोटा होता है। अ पिग्मी इज़ अ मेम्बर ऑफ सच ए ट्राइब, तो पिग्मी भी एक मेम्बर ऐसी ट्राइब का, मतलब एक ऐसी ट्राइब है पिग्मी जहाँ आदमी छोटे हैं। अमोंग द पिग्मी पीपल ऑफ द कॉन्गो रीजन, ये कॉन्गो रीजन में मिलते हैं। इन अफ्रीका आर द मबूटी एंड द बाका, दे आर हंटर गैदर, ये इकट्ठा होकर शिकार करते हैं, मतलब शिकार पर जीवित रहते हैं। एंड गैदरिंग फूड्स, नट्स, नट्स मतलब होता है सुपारियाँ, रूट्स एंड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट। सम ऑफ देम हैव लर्न टू कीप बीज ऑफ हनी, और आजकल तो ये मधुमक्खी पालना भी सीख चुके हैं बहुत सारे। वाइन मीन्स क्लिम्बिंग प्लांट, जो ऊपर चल जाता है। बटरस बड़ी बड़ी सपोर्ट वाली, एप्स होता है आपको मंकी जैसे बड़े कैनोपी समझाए। और ट्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।